Now students, I am talking about the next topic, that is a Nazi cult of motherhoodness. बच्चे अभी तक हमने Nazi youth पढ़ा, ठीक है. Now I am discuss you about motherhoodness. Nazi ने youth को क्या सिखाया? Hatred सिखाई, violence सिखाया. But उसने mothers को क्या चाहा? Nazi की नज़रों में, Hitler की नज़रों में, Nazi ideology के नज़रों में motherhoodness क्या थी? मातृत्व का क्या रोल था और एक माँ क्या इम्पोर्टेंस रखती थी, ठीक है. चिल्ड्रन इन नाजी जर्मनी वर रिपीटली टोल्ड दैट वुमेन वर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मैन. नाजी जर्मनी में भी बच्चों को नॉर्मली यही सिखाया जाता था कि जो वुमेन्स हैं वो मैन से डिफरेंट होती हैं, मतलब गर्ल्स आर डिफर फ्रॉम द बॉयज. The fight for equal rights for men and women had that become a part of democratic struggles everywhere was strong and it would destroy society. वहाँ पर भी लोग किसके लिए डर रहे थे? Equality के लिए, equality between the man and woman. और वहाँ पर भी democratic struggles के लिए women's को जो struggle है वो करना पड़ रहा था democratic equality के लिए, ठीक है. और इसकी वजह से society बहुत ज़्यादा disturb होती थी, ठीक है. नाउ वाइल बॉयज़ वर टॉट टू बी एग्रेसिव, बॉयज़ को क्या कहा जाता था कि वो क्या है? एग्रेसिव, उनको गुस्सा आना चाहिए, वो हार्ड हर्टेड होने चाहिए, ठीक है. बट गर्ल्स को क्या सिखाया गया? दैट गर्ल्स वर टोल्ड दैट दे हैड टू बिकम गुड मदर्स एंड रियर प्योर ब्लडेड आर्यंस. उन्हें क्या बनना है? गुड मदर्स बनना है एंड रियर प्योर ब्लडेड आर्यंस. और क्या बनना है? प्योर ब्लडेड आर्यंस बच्चों को जन्म देना है, ठीक है. किन की? जो कि आर्यंस हो, और नहीं ज्यूज और नाजी जिप्सिस, नो, ओनली आर्यन मदर्स वर रिस्पेक्टेड. गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी टू रेस डिस्टेंस. गर्ल्स को क्या मेंटेन करनी है? प्योरिटी किसकी? रेस की. और डिस्टेंस बना के रखना है. डिस्टेंस उन्हें किससे बना के रखना है? डिस्टेंस उनको ज्यूज से बना के रखना. नाउ स्टूडेंट्स, अब उनको डिस्टेंस किससे बना के रखना था? ज्यूस से. लुक आफ्टर द होम एंड टीच देयर चिल्ड्रन नाजी वैल्यू. और अपने बच्चों को क्या सिखाना था? नाजी वैल्यू सिखानी थी, ठीक है. दे हैड टू बी बियर्स ऑफ द आर्यंस कल्चर एंड रेस. अब उनको क्या करना था? आर्यंस की कल्चर और रेस को कंटिन्यू लेकर चलना था. देखो, मदरहुडनेस के रूप में गर्ल्स को क्या क्या रोल प्ले करने थे? उनको सबसे पहले तो ये करना था कि नाजी जर्मनी के ज्यूज आर्यंस को के मदर्स बनना था, ठीक है. दूसरी कि उनको ज्यूज से अपना जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करके रखना था. एंड टीच देयर चिल्ड्रन नाजी वैल्यू, अपने बच्चों को नाजी वैल्यू सिखानी थी. दे हैड टू बी बियरर्स ऑफ द आर्यन कल्चर एंड रेस, और आर्यन कल्चर और रेस के बियरर बनना था. इन 1933 हिटलर सेड इन माय स्टेट द मदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन, बट इन नाजी जर्मनी ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली. वुमेन हु बोर रेशली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन वर पनिश्ड एंड दोज हु प्रोड्यूस सोशली डिजायरेबल चिल्ड्रन वर अवॉर्डेड. हिटलर के अकॉर्डिंग मेरी स्टेट में मदर एक इम्पॉर्टेंट सिटीजन है, बट वो मदर जो नाजी बच्चों को, नाजी जर्मनी के बच्चों को होल्ड कर रही है. वुमेन हु रेशली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन, जिनके पास अनडिजायरेबल बच्चे हैं या ज्यूज की मदर्स हैं, वो पनिश की जाएंगी. एंड ही प्रोड्यूस रेशली डिजायरेबल चिल्ड्रन, उन्हें ये है कि वो आर्यन चिल्ड्रन को ही बर्थ देंगी, और जो आर्यन चिल्ड्रंस को बर्थ देंगी उनको अवार्ड दिया जाएगा. देवर गिवन फेवर ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स, उनके साथ हॉस्पिटल्स में अच्छा व्यवहार किया जाएगा. देवर ऑल्सो इंटाइटल टू कंसेशन शॉप्स ऑन थिएटर टिकट्स रेलवे फेयर्स, इन सब में उनको कंसेशन मिलेगा. और यहाँ पर उसने कुछ अवार्ड रखे. चिल्ड्रन जो मदर्स जो कि आर्यन ब्लडेड चिल्ड्रंस को जन्म देती हैं, मोर देन फोर, गिव फोर चिल्ड्रन सिल्वर ऑफ सिक्स एंड गोल्ड फॉर एट. ब्रॉन्ज क्रॉस वॉज गिवन फॉर फोर चिल्ड्रन, चार बच्चों को जन्म दिया है तो ब्रॉन्ज, अगर छः को दिया है तो सिल्वर, और अगर मोर देन एट को जन्म दिया आर्यन देन दे गॉट गोल्ड मेडल्स, गोल्ड अवार्ड, ठीक है. सो इन दिस वे दिस इज द कल्ट ऑफ मदरहुडनेस इन नाजी आइडियोलॉजी या नाजी जर्मनी. नाजी जर्मनी में ये मदरहुडनेस थी. वुमेन्स जो कि अपने आप को ज्यूज के साथ रखती थी या ज्यूज को कहीं पर भी कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं करती थी, देवर सेवरली पनिशमेंट.
उनको पनिश किया जाता था अगर वो ज्यूज़ के कॉन्टेक्ट में रहती थी, पॉल्स के या रशियंस के, तो उनको शेव हेड्स, उनके बाल काट दिए जाते थे, उनके ब्लैक फेस को काला कर दिया जाता था, और उनकी नेक में, गले में एक पट्टी डाल दी जाती थी जिस पे लिखा होता था कि हम, मैंने नेशन का जो प्राइड है, जो ऑनर है, वो स्पॉइल किया है, ठीक है। तो इस तरह से उनको जेल में भी डाल दिया जाता था। तो दिस इज़ द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुडनेस, ये नाजी का कल्ट ऑफ मदरहुडनेस था, ये नाजी की मदर को लेकर जो थी रिक्वायरमेंट्स थी, ये कह सकते हैं कि नाजी की मदर को लेकर ये व्यूज़ थे, ठीक है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ आर्ट ऑफ प्रोपोगंडा। अब आर्ट ऑफ प्रोपोगंडा क्या था, वी विल डिस्कस दिस इन नेक्स्ट वीडियो।